बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या बदली बदली सी दिख रही है। प्रभु के आगमन के बाद सब कुछ बदल गया है, चाहे अयोध्या का स्वरूप हो या फिर अयोध्या वासियों की दिनचर्या, सब कुछ बदल गया इन चंद दिनों। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2017 के पहले ये कंडीशन था यहाँ का कि जैसे लग रहा था कि विलुप्त हो जाएगा। योगी मोदी का जो ये उद्यान रहा है अयोध्या में, ऐतिहासिक रहा है और रोजगार का भी अवसर बहुत बड़ा है यहाँ पे। अयोध्या और सियासत का साथ प्रभु श्री राम और हनुमान की भांति है। जैसे प्रभु का साथ मिलने के बाद हनुमान बदल गए, वैसे ही अयोध्या में प्रभु के आगमन के बाद देश की सियासत ही बदल गई। दरअसल वर्षों के संघर्ष के बाद जब रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी गई, उस दिन से अयोध्या को विकास के मॉडल के तौर पर रचने का कार्य भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि भविष्य में अद्भुत अलौकिक अयोध्या बनाएंगे। इसीलिए अयोध्या को सजाने संवारने के लिए हजारों करोड़ के पैकेज दिए गए। आज उसी का परिणाम है कि अयोध्या बदल गई है और एक उदाहरण बन गई है कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। एक वक्त था जब अयोध्या बदलाव के दौर से गुजर रही थी। सड़कों पर धूल का गुबार, लोगों के सीनों में दर्द, उजड़ती अयोध्या और लोगों की आंखें नम थीं भविष्य के चिंताओं से। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सरकार उनके भविष्य को लेकर के क्या प्लान बना रही है। विवादों से घिरी अयोध्या को तब रफ्तार मिली जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। उसके बाद यूपी की योगी सरकार ने उड़ान भरी और अयोध्या बदलाव की राह में तेजी से निकल पड़ा। लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में अयोध्या को लेकर सियासत तेज रही। आरोप लगे, मिथ्या बातों से लोगों को बहकाने का काम भी हुआ। कारण था कि अयोध्या के विकास के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाना था। लोगों की आशियाना टूटे जाने का कष्ट भी लोगों में था। अब पहले तो भाई वो दुखी थे लोग, लेकिन अब तो इस समय बहुत खुश है हम लोग सभी लोग। ऐसी बात नहीं है, योगी जी का जो कहना था ये घर टूटा तो भाई चौड़ीकरण तो जरूरी है होना, लेकिन फिलहाल अला बढ़िया हो रहा है। दुकानदारी में भी प्रभाव है, इसी बात नहीं है हम लोगों की। अब अच्छा हो गया, राम मंदिर बन गया है, चहल पहल है, बनी आदमी लोग चलते हैं, सौदा खरीदते हैं। हाँ, हमको बहुत खुशी है। की दुकान है आपकी? वही कपड़े की दुकान है। क्या क्या बेचते हैं? बस जाकेट बच्चन का है, कुर्ता है, दुपट्टा है, ये सब बेचते हैं। पहले हम अब दुकान नहीं थी, अब दुकान हो गया, नौकरी भी करते हैं। राम लल्ला के आने के बाद जो है अयोध्या में काफ़ी अच्छा परिवर्तन हुआ है और ऐतिहासिक परिवर्तन है। मान के चलिए 2017 के पहले ये कंडीशन था यहाँ का कि जैसे लग रहा था कि विलुप्त हो जाएगा। अयोध्या में विश्व स्तरीय बदलाव हुआ और लोगों को जमीन के बदले मुआवजा मिला, बाजार सजे और अयोध्या विकास के रूप में सजकर विश्व पटल पर उभरी, जिसके बाद अब अयोध्या पर्यटन के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाने के करीब है। सुनी पड़ी अयोध्या में एयरपोर्ट, सुंदर घाट, वाटर मेट्रो, सोलर वोट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें और सबसे खास एक जैसे बाजार बन गया जिससे लोगों की दुकानों को पहचानना मुश्किल हो जाए। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो लाखों लोगों का हुजूम आना शुरू हो गया। आज अयोध्या के लोग खुशहाल हैं और भविष्य की चिंता से मुक्त हैं। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और लोग सरकार को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या राम के नाम से अब गुंजायमान है, साधु संतों का डेरा है, लाखों भक्तों का मेला है और इस मेले के बीच यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ा है। रोजगार के साथ आय में भी भारी वृद्धि हुई है, तो लोग अपनी पुरानी तकलीफ भूल गए हैं और सीधे तौर पर अब कहने पर मजबूर हैं कि राम की कृपा बरस रही है और राम अब भविष्य में भी हमारे साथ हरदम रहेंगे, क्योंकि राम आ गए हैं अयोध्या। क्या प्रसन्न शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। रामलला के दर्शनों को लेकर लोगों के बीच कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं। 23 तारीख से शुरू हुए इस सिलसिले में अब तक 20,50,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और ये दौर लगातार अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है। अब तक 20,50,000 लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी भी अयोध्या नगरी में
दर्शनों के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए भी कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि इतनी भीड़ को कैसे काबू में किया जाए, लेकिन अपने आराध्य की एक झलक पाने को इतने लोग ज़्यादा आतुर हो जाते हैं कि लगातार वहां पर जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। 23 जनवरी की अगर बात करें तो 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, 24 जनवरी को लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की नगरी में प्रभु राम के दर्शन किए, 25 जनवरी को 2.5 लाख लोग दर्शनों के लिए पहुंचे, 26 जनवरी को 3.5 लाख लोगों ने प्रभु राम का दीदार किया, 27 जनवरी को लगभग 2.5 लाख लोग प्रभु का दीदार करने के लिए पहुंचे और 28 जनवरी को 2 लाख की आमद थी, यानी कि यह संख्या 2 लाख पहुंची। 29 जनवरी को 1,75,000 लोग प्रभु श्री राम का दीदार करने के लिए पहुंचे और 23 जनवरी से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु की नगरी में श्रद्धालुओं की संख्या, देश से तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपने आराध्य के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो चहलकदमी जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से अयोध्या में एकाएक बढ़ गई है। इसके साथ साथ अयोध्या में काम कर रहे तमाम दुकानदार कारोबारी भी कम नहीं हो रहा है और रामलला के प्रति दीवानगी लगातार राम भक्तों में बढ़ती जा रही है और बड़ी संख्या में सुबह से ही अयोध्या के धाम में दर्शन करने के लिए रामलला के जो राम पथ पहुंचे हुए हैं, रामलला मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। आप देखिए कि बड़ी संख्या में ठीक मेरे पीछे भी संख्या है। अब मैं बताऊँ 23 तारीख से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन के लिए खोला गया था राम मंदिर, तो ऐसे में अगर 23 की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या, अब तक की सबसे बड़ी संख्या अगर एक दिन में दर्शार्थियों की रही है तो 23 तारीख को 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, 24 तारीख को 2,50,000 लोगों ने, 25 जनवरी को 2 लाख, 26 जनवरी चूँकि सरकारी छुट्टी थी ऐसे में 3,50,000 लोगों ने दर्शन किया, 27 जनवरी को 2,50,000 लोगों ने और 28 को 3,25,000 लोगों ने और 29 तारीख कल जो सोमवार था उस दिन 1,75,000 राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पिछले 26, 27, 28 बड़ी संख्या देखने को मिली। उसके पीछे का बड़ा कारण था कि पूरे प्रदेश से लोग वीकेंड के रूप में मनाते हुए यहाँ पर नजर आए थे और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे। ऐसे में अभी संख्या और बढ़ने की उम्मीदें बताई जा रही है, चूँकि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों से बीजेपी के और संघ के जो कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े संख्या में लोगों को लेकर आ रहे हैं, राजस्थान से कल 1,500 से भी ज़्यादा की संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचे थे, अन्य प्रदेशों से भी राम भक्तों को पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में राम भक्तों की जो भीड़ है, रामलला के प्रति जो दीवानगी है, उनके प्रति जो प्रेम है, आस्था है, उस आस्था का ही कहीं ना कहीं असर है कि लोगों का समुद्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है अयोध्या धाम में। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। रामलला के ठाट निराले हैं, जहां सेवा में दर्जनों दास और भोग लगाने के लिए पुजारियों की फौज लगी है, तो अपने बाले रूप में विराजमान रामलला की सुरक्षा में सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय सुरक्षा के साथ साथ होम पीएसी के जवान तैनात हैं, लेकिन आरएफ की महिला जवानों के कंधों पर रामलला की अहम जिम्मेदारी है, जो मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक तैनात सुरक्षा में रामलला की 24 घंटे निगरानी करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या और अयोध्या में बसे रामलला सबके प्यारे हैं और सबके चहेते हैं, लेकिन रामलला की नगरी संगीनों के साए पर है। ये कहा जा सकता है कि रामलला का मंदिर अब अभेद्य किला बना दिया गया है। 24 घंटे उनकी सुरक्षा पर तैनात आरएएफ के जवान हो या सीआरपीएफ के जवान हो, होम पुलिस हो या पीएसी के जवान हो, और ख़ास करके आरएफ और जो सीआरपीएफ की महिला जवान हैं उनकी मुस्तैदी मुख्य मार्ग, मुख्य गेट से लेकर के और गर्भ गृह तक में बड़ी संख्या में रखी जाती है। और ये जो कंपनी है ये लगातार 8-8 घंटे में प्लाटून इनकी बदलती रहती है, तो रामलला की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो उसको लेकर के सरकार ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई है। यही वजह है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को कंधों पर अहम जिम्मेदारी रखी गई है और ये संगीने जो है पलक झपकते भी किसी को भी छलनी कर सकती हैं। तो ऐसे में रामलला को बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा जा रहा है और आप देखिए तस्वीरों में कि उनकी सुरक्षा में जवान 24 घंटे यहां पर मुस्तैद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये तैनाती
उन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए माकूब जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किले में तब्दील अयोध्या में है और रामलला बेहद सुरक्षित हाथों में है। कैमरा शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। रामलला के दर्शनों को लेकर हिंदुओं में जितना जोश है तो वैसा ही जोश देश के मुस्लिमों में भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम एकता मंच के लोगों में भी काफी आस्था देखने को मिली। राजधानी लखनऊ से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचे। उनकी मांग है कि लखनऊ के नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए। लखनऊ वैसे भी गंगा जमुनी तहजीब के लिए काफी विख्यात है। तहजीब का पैगाम लेकर आज मुस्लिम एकता मंच में पुरुष महिलाओं का एक बड़ा जत्था अयोध्या नगरी पहुंचा था। रामलला के दर्शन के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, मुस्लिम मंच से लोग भी पहुंचे हैं। सर कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पैदल चल के? पैदल लखनऊ से पैदल चल के आ रहे हैं। भगवान श्री राम हम लोगों के नबी हैं, सनातनी मुसलमान हैं। जा करके वहां हम लोग कामना करेंगे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए, लक्ष्मण प्रतिमा लगे। ये लक्ष्मण अधिकार यात्रा है, अपने नबी से मिलने जा रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? 350 लोग हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और सीधे तौर पर कहने के मुस्लिम मंच के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने नबी से मिलने आए हैं और एक बड़ा मैसेज, एक कहने के एकता की मिसाल का जो मैसेज है वो रामलला के मंदिर में जो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लखनऊ से ही पैदल चल करके लोग, चूँकि लखनऊ का अंदाज भी यही कहा जाता है, लखनऊ मिजाज, गंगा जमुनी तहजीब का मिजाजों का शहर लखनऊ कहा जाता है। और यही वजह है कि लक्ष्मणपुरी लखनऊ का नाम किए जाने की भी मांग करते हुए कहने के मुस्लिम मंच के लोग यहाँ लखनऊ से अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। कैमरा शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। रामलला के दर्शनों को लेकर लोगों के बीच कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि जहां दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके प्रसाद की व्यवस्था भी अयोध्या में ही की जा रही है और इस पूरे कार्य को जो अंजाम दिलवा रहे हैं। एके सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर इसका किस तरीके से वितरण हो रहा है, कब से इसको बना रहे थे आप लोग, कैसे वितरण होगा? देखिए, ये ब्रह्मवेत्ता श्री देवराह हंस बाबा जी, उनके द्वारा ये सब लड्डू हैं और परावाणी प्रसाद है, ये भगवान राम को अर्पित किया गया था 22 को। ये 11,000 उसमें जो बैग बने थे वो, उसमें ये लड्डू के अलावा बाबा की जो परावाणी है जो कि बीज मंत्र है जिसके द्वारा पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम जन्मभूमि की मुक्ति हुई, तो वो प्रसाद भी उसमें रखा गया है। वो लिखित मटेरियल है और ये खाद्य मटेरियल है, तो दोनों राममय है। बाबा के द्वारा भगवान राम को, हनुमान जी को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बाबा जी ने इसको अर्पित किया है। ये जो लड्डू है इसमें से भी काफ़ी सारे आरएसएस के हेडक्वार्टर गए हैं, भागवत जी के पास जा रहे हैं, वहाँ से वो अपना वितरण करेंगे अपने हेडक्वार्टर में, और दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय, पार्लियामेंट, वो भी सब जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन सबको, संघ परिवार के जितने MP, राज्यसभा, लोकसभा हैं, सबको जाएंगे, राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा और दिल्ली में बाबा के बहुत शिष्य हैं, सब सबको जाएगा। क्या प्रसाद शुभम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में